अपनी फसल को बेचा करते थे, नेफेड उन बिचौलियों को काटने के लिए, उनको उनका सही हक देने के लिए यानी मूल्य देने के लिए नेफेड क्या कदम उठा रही है? हमने प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना था कैशलेस बिजनेस का, तो नेफेड देश के अंदर पहला इंस्टीट्यूशन है जिसने 100% कैशलेस बिजनेस किया है इस बार, और उसका परिणाम यही है कि पहले जो किसानों को पैसा जाता था नगद के रूप में, तो उसमें बिचौलिए बहुत सारा पैसा मार लेते थे। इस बार हमने लगभग 8,000 करोड़ की जो खरीद करी है वो 100% पैसा जो है वो सीधा किसान के खाते में गया है, पूरा कैशलेस बिजनेस हुआ है। उसके कारण लगभग 1.5 से 2 हज़ार करोड़ रुपया जो है वो किसानों का बिचौलियों की जेब में जो जाता था वो बच गया है। कौन सी फसलों को नेफेड ने अभी डायरेक्ट लिया खरीदा है? नेफेड ने अभी दालों की जो प्रोक्योरमेंट करी है उसमें आप समझिए ये विश्व का रिकॉर्ड है, 15 लाख मीट्रिक टन दाल जो है इस बार हमने बफर स्टॉक के रूप में खरीदी है किसानों से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे सभी राज्यों से जो है, और कर्नाटक, इन राज्यों से हमने बहुत बड़ी मात्रा में दाल खरीदी है। तो वो जो दाल हमने खरीदी है उसके वो अपने आप में ये रिकॉर्ड है 15 लाख मीट्रिक टन का।